मध्य प्रदेश में राम मंदिर से लेकर जगह जगह आज हनुमान चालीसा के पाठ की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे प्रदेश से लेकर देश में यह खुशी बताई जा रही है कि सालों पुराना मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत कल 5/8/2020 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि महरूद बिना कार्य चालू होने को है। हम तो आज मध्य प्रदेश की भलाई के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के निर्देश के बाद हम सभी भगवान श्री हनुमान जी की शरण में हैं। पूरे प्रदेश में आज हनुमान चालीसा का पाठ हर जिले में, नगर, शहर, ग्रामों में हो रहा है। श्री हनुमान जी विरोधी पार्टी को सद्बुद्धि दे जिससे मध्य प्रदेश का भला हो। नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, साली चौका, नगर साई खेड़ा से लेकर जगह जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेसियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर, शासन के नियमों में रहकर किया गया। नरसिंहपुर जिले से विनोद चौकसी।